My dear colleagues, today I welcome you again in capacity building program organized by Jharkhand John H. As it is clear from the topic, problems are non routine but motivational. I want to start टुडेज टॉपिक फ्रॉम ए स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज इन हिंदी प्रिय साथियों आपने पीवी सिंधु और उसके कोच गोपी नाथ पोलेला का नाम अवश्य सुने होंगे मैं एक पी सिंधु का इंटरव्यू के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ एक दिन एक पत्रकार पी सिंधु से एक पी सिंधु से एक सवाल किया कि आप इंटरव्यू में एक सवाल किया कि आप जो मैदान में खेल रही थी उस समय आपके कोच कुछ बुदबुदा रहे थे तो वो आपसे क्या कह रहे थे पी सिंधु ने कहा कि हमारे कोच हमसे ये कह रहे थे कि आप हम लोगों ने जो मिल के स्ट्रेटजी बनाया है उसको फॉलो करो फॉलो दी स्ट्रेटजीज, प्रिय साथियों इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में इस टॉपिक के माध्यम से मैं ये जो परीक्षा बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही है उसमें कैसे स्ट्रेटेजी बनाए इस विषम परिस्थिति में को सुअवसर में बदल रहे हैं। और बच्चे इसमें अच्छा करें आप हम सभी लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक योद्धा के भांति पढ़ा रहे हैं लेकिन जरूरत है अब एक स्ट्रेटेजी का अब सैंपल पेपर भी सी का निकल गया और अन्य स्रोत भी आपके पास है और इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए पर विचार करते हुए मैंने अपना वीडियो में एक स्ट्रेटजी बनाया स्ट्रेटजी तैयार किया है कि कौन सा सवाल को हम उठावें जिससे बहुत सा सवाल बनने लगे कौन सा सवाल को हम बनावें जिससे बहुत सा एमसीक्यू क्वेश्चन बनने लगे उसका क्या स्ट्रेटेजी होगा उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आशा है ये नन रूटीन प्रॉब्लम लेकिन मोटिवेशनल प्रॉब्लम आपको आपके लिए होगा यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो हम समझेंगे कि मेरा प्रयास सफल हुआ प्रिय साथियों मैं एक सवाल पहला सवाल उठाना चाहता हूँ वट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम पहला सवाल नन मोटिवेशनल प्रॉब्लम में है फाइंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड सच दैट टू एक्स माइनस टू आई प्लस वन वाई जेड इजक्ल टू वन वाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वाई माइनस टू जेड प्लस वन वाई एक्स इजक्ल टू वन वाई टू थाउजेंड ट्वेंटी and 2z minus 2x plus 1 by y is equal to 1 by 2020. So, in this condition you have to find the value of x, y and z. So, now first equation is 2x minus 2y plus 1 by z is equal to 1 by 2020. Second is 2y minus 2z plus 1 by x 1 by 2020 and third is 2z minus 2x plus 1 by y is equal to 1 by 2020. Now, adding first, second, and third, we have 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 3 by 2020. Now, multiplying equation first, second, and third by z, <coughs> x, and y respectively, we have 2xz minus 2yz plus z by z is equal to z by 2020 2 y x minus 2 z x plus x y x is equal to x by 2020 2 z y minus 2 x y plus y by y is equal to y by 2020 adding fifth sixth and seventh we have 3 is equal to z by 2020 x by 2020 and y by 2020. 3 is equal to x plus y plus z by 2020, x plus y plus z is equal to 2020 into 3. So, x plus y plus z by 3 is equal to 2020, this is equation 8. Now, also from 4 and 8, also from 4, we can write थ्री बाय वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस वन बाय जेड इज इक्वल टू टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड सपोज दिसन इज नाइन सो वॉट डू ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व फ्रॉम एट एंड नाइन अर्थमेटिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स एक्स वाय जेड इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स दे आर फोर थ्री पॉजिटिव नंबर्स एक्स वाई जेड आर इक्वल दिस सिंपलाइज एक्स प्लस वाय plus z is equal to 2020. 2020. In this way we can if a m is equal to hm, a m of three numbers is equal to hm of three numbers, then x is equal to y is equal to z and its value is equal to 2020. So alternatively, since x plus y plus z is equal to two thousand twenty into three, one y x plus 1 y y plus 1 y z is equal to three by two two thousand twenty. So x plus y plus z into 1 y x plus 1 y y plus 1 y z is equal to nine. If the sum of three numbers and their product is equal to nine, then therefore, ए एम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू एच एम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स दिस इंप्लाइज एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू जेड इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रिय साथियों ये सवाल में इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन है ये साफ है ए एम इज इक्वल टू एच एम तब होगा तीन नंबर का जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम और तीनों का रेसिप्रोकल रोकर वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इजक्ल टू नहीं फिर वही चार नंबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस सपोज आर तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाय जेड प्लस वन बाय आर ये इजक्ल टू सिक्सटीन हो तो चारों नंबर बराबर होगा ये कंसेप्ट आपको बच्चों में डालना होगा अब हम इस पर आधारित एक ट्वेल्व सी बोर्ड एग्जाम के सवाल को डिस्कस करना चाहता हूं कि इसमें ए एम और एच HM एम का कैसे एप्लीकेशन है और नेक्स्ट सवाल को मैं डिस्कस करना चाहता हूं नाउ सेकेंड प्रॉब्लम इज परपेंडिकुलर इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज वन एंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर To the plane satisfies 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to k, then find the value of k. Then find the value of k. Try to understand the problem. If the perpendicular distance of a plane <coughs> from the origin is 1 and direction cosines of normal vector to the plane satisfies वन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर प्लस वन बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन बी एल कॉमा एम कॉमा एन देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी वेर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड पी इज लेंथ फ्रॉम ओरिजिन पी इज द Perpendicular length from origin to the plane Lx plus My plus Nz, but here it is given that the distance is 1 unit. So, instead of P, we have Lx plus My plus Nz is equal to 1. Now, we have L square plus M square plus N square is equal to 1. Then it is given that Lmn satisfy the equation 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to k. जमेंट बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन अप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बोथ साइड्स फ्रॉम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वी हैव L square plus m square plus n square into 1 by L square plus 1 by m square plus 1 by n square is equal to k. Now, L square plus m square plus n square by 3 greater than or equal to 3 by 1 by L square plus 1 by m square plus 1 by n square. What is this expression? This is the m of the three numbers. We know that m of the three numbers m greater than is equal to h m. एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बाय थ्री इज दी बाय बाय स्क्र इज एच एम तो वी नो दैट ए एम ग्रेटर देन इजल टू एच एम एम ग्रेटर देन इज्क् दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर into 1 by l square plus 1 by m square plus 1 by n square greater than or equal to 9 and this expression value of this expression l square plus m square plus n square into 1 by l square plus 1 by m square plus 1 is by l square is k so the value of k greater than or equal to 9 so required value of k greater than or equal to 9 is very very important problem for the purpose of board examination priya इस सवाल को मैंने टैग किया नन रूटीन प्रॉब्लम कि यदि बच्चों को यह सवाल आ जाए तो एज आई फील एज इन माई ओपिनियन वनली फ्यू स्टूडेंट विल सॉल्व द प्रॉब्लम सो वी शुड मस्ट वी शुड कलेक्ट नॉट मस्ट वी शुड कलेक्ट वी मस्ट कलेक्ट दोज प्रॉब्लम्स विच आर नन रूटीन बट मोटिवेशनल फॉर द दर्पजस ऑफ एग्जामिनेशन उसका स्रोत कहाँ से होगा रिसोर्स कहाँ से मिलेगा प्रिय साथियों जैसा मेरा मानना है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 2015 का एग्जाम का क्वेश्चन पिछले कई एक सालों के क्वेश्चन से 2015 के पहले 2015 के, पहले, 2015 के बाद के क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए यदि हमें मौलिकता चाहिए तो आपको उनके क्वेश्चनों को देखना होगा पंद्रह बीस जोन में देश को बांट दिया तो क्वेश्चन का स्तर चेन्नई जोन अजमेर जोन भुवनेश्वर जोन पटना जोन इलाहाबाद जोन इस तरह पूरे देश को बांट दिया तो क्वेश्चन का लेवल भारी हो गया कहीं लेंदी हो गया कई कई विसंगतियाँ हो गई इसलिए मैथमेटिक्स का रिजल्ट भी उस साल ख़राब हुआ लेकिन जिसने स्ट्रेटेजी बनाया जिस स्कूल में स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई हुई है जिस स्कूल में असाइनमेंट बना के पढ़ाई हुई मैं प्रशंसा नहीं करना चाहता वैसा स्कूल रिमोट एरिया में भी क्यों नहीं हो छोटे जगह में भी क्यों नहीं हो वैसे स्कूल ने ये काम अच्छा किया प्रिय साथियों मैं इस सवाल के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इस बार के सुअवसर को इस बार के अवसर को इस बार जो अपॉर्चुनिटी इस बार जो विषम परिस्थितियां हम लोगों के सामने में आई उससे उसमें कैसे बच्चे अच्छे करें इसके लिए 2015 के क्वेश्चन को तो देखें ही और एन के उन तमाम क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करें जिससे एक सवाल से अनेक सवाल बनता है जिस मुख्य सवाल को बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे सवाल बनते हैं हर टॉपिक में इस तरह हमको प्लान किया जाए वो कौन सा सवाल है इसलिए मैंने अपने टॉपिक का नाम दिया नन रूटीन मतलब जो सवाल हमारे रूटीन में नहीं है उसको कैसे एन से खोज करके कैसे अपने सिलेबस से खोज करके उसको जोड़ें कनेक्ट करें ताकि बच्चे अच्छे कर सकें मेरा ये प्रयास रहा अब मैं इस बार जो सी ने कुछ सवाल बहुत ही बेसिक सवाल सैम्पल पेपर में दिया है मेरा मानना है कि बहुत स्रोत से जो बातें आ रही है कि इस बार का क्वेश्चन सरकार बार बार बोल रही है कि इस बार का क्वेश्चन रिड्यूस्ड पोर्सन से आएगा आप रिड्यूस पोर्सन को तो मजबूत करें ही लेकिन उसके इर्द गिर्द जो कुछ पोर्सन है जिससे उस पोर्सन को मजबूत करने में मदद मिलता है उसको भी पढ़ें और एन को बेस मान के पिछले साल के क्वेश्चन को बेस मान के और कुछ बेसिक बातों को जोड़ के असाइनमेंट बना के बच्चे को तैयारी कराएं तभी रिजल्ट आ सकता है जिस सवालों में आप अटक रहे हैं जो सवाल आपको कठिन बुझा रहा है उस सवाल को भी सरल करके बनाए बच्चों के सामने में रखें क्योंकि अभी बच्चे के पास समय नहीं है जब ऑफलाइन क्लास होता था तो उस समय समय नहीं रहता था अभी तो ऑनलाइन समय क्लास हो रहा है क्या बच्चे कर रहे हैं घर में ये कौन बताएगा इसलिए हम लोगों मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में और अब स्ट्रेटेजी बनाना होगा उन सब सवाल को चैप्टर वाइज असाइनमेंट बना के बच्चों को घर तक पहुंचाना होगा किसके माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं जो आप काम कर सकते हैं लगातार कीजिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी मैं अब पुनः इस बार के सी बी एस ई सैंपल पेपर के एक सवाल को उठाना चाहता हूं एज इन माई ओपिनियन थ्री डी शुड बी टीच बाय टेकिंग हेल्प ऑफ टू डी यदि आप थ्री डी को टू डी से जोड़ के पढ़ाएंगे अप्लाई करके पढ़ाएंगे तो बहुत लड़के को फायदा होगा क्या थ्री डायमेंशन में एक डायमेंशन तो ऐसा है जिसका हम कल्पना कर सकते हैं बहुत फिगर में इसलिए बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ता है हिडन है जो पीछे रहता है इसलिए वहाँ पर फीलिंग चाहिए इसलिए वहाँ के बहुत कुछ बिना फिगर से भी स्पष्ट नहीं होता है इसलिए प्राय फिगर बना के सवाल को बनाने का कोशिश करना चाहिए और आप करते हैं हम लोग करते हैं नो आई वॉन्ट टू डिस्कस ए प्रॉब्लम फाइन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेज थ्रू द पॉइंट वन कोमा जीरो जीरो एंड कंटेन द लाइन वेक्टर आर इज कल टू लेमडा टाइम्स ऑफ कैप जे नॉ बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम आई वांट टू डिस्कस सम बेसिक पार्ट सम बेसिक पॉइंट व्हाट आर दीज हियर एज आई जस्ट टोल्ड यू यू शुड टिच थ्री डी बाई टेकिंग हेल्प ऑफ टू डे मैं जान रहा हूँ कि आप ये सब बात जान रहे हैं ओनली आई वॉन्ट टू रिकॉल इट ओनली आई वॉन्ट टू रिकॉल इट सो दैट आई विल अप्लाई टू डी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ थ्री डी प्रिय साथियों एज आई नो यू आर अवेयर फ्रॉम दिस फैक्ट्स दैट टू गेट ए इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन वी शुड ए पॉइंट एंड ए स्लोप इन टू और We can say in this word, in this form, that one line passes through two points. But in 11, when a point and a slope, by taking help of a point and slope, we can also find the equation of a straight line. This slope is important, but in 3D, how will you get the equation of a straight line in space? We should have a point and a direction. For direction, we will take here a straight line parallel to a given line. You see To get a equation of plane, we should have a line and a perpendicular line on this line. Or, as you know, from three points, non-collinear points. वी गेट ए प्लेन वी गेट ए प्लेन फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो यदि इस थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक ट्रैंग मिलेगा क्या मिलेगा एक ट्रैंगल मिलेगा आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस थॉट। सपोज ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स नन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने अभी आपको क्या कहा प्लेन के लिए क्या चाहिए एक लाइन चाहिए और उस पर एक परपेंडिकुलर चाहिए दैट इज नॉर्मल चाहिए हाउ यू गेट कैसे प्राप्त करोगे कैसे प्लेन का आप इक्वेशन निकालेंगे प्रिय विद्या प्रिय साथियों नो इफ यू टेक एनी आर्बिटरी पॉइंट पी एन फॉर नॉर्मल वी गेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी एंड ए पी पी इज एनी आर्बिटरी पॉइंट इन ए प्लेन सो ए पी इज ए लाइन

यदि तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसका वैल्यू जीरो हो गया तो ये तीनों वेक्टर क्या होगा एक प्लेन में होगा को प्लानर होगा एंड माई डियर कलिक्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर सर जीरो बट इट इज नॉट इन ए कोर्स इसलिए इसका नाम बिना लिए हम कैसे पढ़ा सकते हैं इसका नाम लिए बिना हम बोल सकते हैं वैक्टर एपी डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी इजक्ल टू जीरो सो नौ एपी वेक्टर ए बी भेक्टर एसी बाय टेकिंग फाइनल माइनस इनिशियल वी हैव वैक्टर एपी इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर है वेक्टर ए बी इजक्वल टू वैक्टर बी माइनस वेक्टर है वेक्टर ए सी इजक्ल टू वैक्टर सी माइनस वैक्टर है एंड नौ बाय टेकिंग इट्स हियर स्केलर प्रोडक्ट We should not say here a scalar product. We take the dot product of vector AB with cross product of vector AB and AC, we will get this value. And we can, we can return it in this form vector R minus A dot product with vector B minus vector B minus vector A cross vector C minus vector is equal to 0, which is the required equation of the plane passing through three non collinear points. This is very very important. Now, how can convert you it in the form of determinant? So R minus vector R minus A that is X minus X1, Y minus Y1, Z minus Z1, X2 minus X1, vector B minus vector A, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. And vector C minus vector A, X3 minus X1, Y3 minus Y1. Z3 minus Z1. In this way. दीज आर दी कंडीशन ऑफ कोपल्टी ऑल्सो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा हम कोपलनर्टी के टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं तीन पॉइंट एक लाइन में है तो कोपलनर है तो इस तरह कर सकते हैं तो प्रिय साथियों आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कम जानकारी से कैसे अच्छा अच्छा सवाल बन सके कैसे बच्चे अच्छा कर सके तो उस तरह के सवाल का बराबर उपयोग हो वो किन सवालों में हो किन सवाल को बनाने से बहुत सारा सवाल बनता है इसका स्ट्रेटेजी हम लोग को बनाना चाहिए सुनाओ सी दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम इज इन दीबीएसई सैंपल पेपर फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट वन कॉम जीरो जीरो एंड कंटेन्स लाइन वेक्टर आर इज कल टू लिमडा टाइम्स ऑफ क्या दिया हुआ है कोई प्लेन किसके पास करता है वन कोमा जीरो जीरो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एक पॉइंट तो मिल गया उसके बाद उसके लिए नॉर्मल चाहिए क्या चाहिए नॉर्मल चाहिए तब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं लेट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन भी वेक्टर एन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कोमा जीरो जीरो नॉर्मल टू वेक्टर इज वेक्टर आर माइनस

यर वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई एंड वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर जे हि फ्रॉम दिस टर्म वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई एंड फ्रॉम दिस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर जे सो बाय टेकिंग दिस रिजल्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर वी हैव रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज वेक्टर आर माइनस आई डॉट प्रोडक्ट वैक्टर के वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट विथ के माइनस आई प्रोडक्ट आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ के इजक्वल टू जीरो सो आई डॉट प्रोडक्ट आई जे के आई डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर के एंड आर डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर के दैट इज आर डॉट प्रोडक्ट विथ के इजक्ल टू जीरो

जस्ट आई टोल्ड यू टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन वी शुड हैव ए लाइन एंड फॉर द परपेंडिकुलर टू द लाइन तो हम लोग विक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आराम से निकाल सकते हैं सो इन दिस वे वी कैन थिंक ऑन द प्रॉब्लम नाउ मैं प्लान के कुछ सवालों को डिस्कस करना चाहता हूँ वो कौन सवाल है जिसको बनाने से कई एक सवाल बनता है जिसको बनाने से कई एक सवाल बनता है हमको आपको मेहनत करके वैसे सवालों की सूची बनाना चाहिए लिस्ट बनाना चाहिए सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम नो सी बी एस सी दर इज ए प्रॉब्लम इन सी बी एस सी सैम्पल पेपर फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट माइनस वन कोमा थ्री कोमा माइनस सिक्स टू द्लान टू एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड प्लस फाइव इजकअल टू जीरो ऑल्सो फाइंड द क्वेश्चन एंड लेंथ ऑफ दर्पेंडिकुलर इन सब सवालों को यदि हम एक सवाल बना दें कि इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन तो इस ग्रुप का सारा सवाल बन जाएगा और इस बार रेड्यूस सिलेबस में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है प्लान इक्वेशन ऑफ प्लान इन कार्टिजन एंड वैक्टर फॉर और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर सवाल है कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लान फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए पॉइंट यह सवाल यही दिया हुआ है और प्लान में इतना ही है तो यदि इसमें से ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सवाल को सेलेक्ट करें क्यों सेलेक्ट करें इन सब सवालों को आपको एन सी आर टी बुक से ही ढूंढना चाहिए मैंने आज कोशिश किया है इस टॉपिक के चर्चा में वो कौन सा सवाल है वो कौन सा वर्ष पूछा गया है उन सवालों को लेके आपके सामने में रखूं आप जानते ही हैं फिर भी मैं उसको रिकॉल करना चाहता हूं माय डियर कलिक्स हियर देयर आर वन टू थ्री फोर फाइव प्रॉब्लम्स इस पांच सवाल में से यदि दो सवाल प्रॉब्लम नंबर ट्वेल्व लाइन का है एंड प्रॉब्लम नंबर एट नाइन टेन एलेवन प्लेन का है यदि प्रॉब्लम नंबर नाइन बना लिया जाए तो एट टेन एलेवन बन जाएगा और कुछ कुछ में कुछ सोचना होगा क्या मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 2015 यदि मेरे हिसाब से बच्चों को स्ट्रांग करना चाहते हो चाहते हैं कुछ बेसिक सवाल देना चाहते हैं कुछ मोटिवेशनल सवाल देना चाहते हैं कुछ सवाल में जो अप्लाई मैथमेटिक्स का करना चाहते हैं तो बैलेंस कीजिए और 2015 के सवाल को दीजिए चुनिए लाइए रिसोर्स पर्सन बनिए तभी बच्चे अच्छे कर सकेंगे और आप इस काम को मैं बार बार कर रहा हूँ कर ही रहे प्रिय साथियों मैं उस